Hello guys, welcome back to my channel. I am your Shilpa Chaudhary and I hope you all are doing well and staying safe. तो सुबह उठते ही नहा कर हम दोनों हो गए हैं रेडी, क्योंकि आज है न्यू बॉर्न बेबी गर्ल की वेलकम पार्टी. वो भी अपना सुंदर बच्चा बनकर रेडी बैठा हुआ है और इसकी जो ड्रेस है वो भी काफ़ी क्यूट लग रही है इसके ऊपर. और मैंने पहना है आज एक ब्लैक सूट. वैसे तो मैं एक दूसरी ड्रेस लाई थी लेकिन उसकी फिटिंग मुझे बहुत लूज थी, ट्राई करने तक का टाइम नहीं था और मुझे लगा मुझे फिट होगी, लेकिन शिल्पा की लाइफ इतनी इजी नहीं है. तो मैंने और साहिल ने किया है मैचिंग. तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं, फिर आपको दिखाती हूँ कि उसका हम वेलकम कैसे करते हैं और मैं सबको उस बेबी गर्ल से मिलवाऊंगी भी. सो गाइज, अभी हम घर पे जा रहे हैं और उसके बाद हम जाएंगे सब सारे गिफ्ट्स वगैरह लेकर सारे फैमिली वाले उस बेबी गर्ल के पास उसको गिफ्ट्स देने. तो मैं आपको दिखाऊंगी पक्का उस बेबी गर्ल को पक्का. मुझे खुद भी इतनी एक्साइटमेंट हो रही है उसको देखने की. मैंने उसका फोटो देखा था, बहुत क्यूट है. तो अभी वहाँ जाकर भी उसको दिखाऊंगी. SS डागर मतलब शिल्पा साहिल डागर. वो फी बस इधर ही खेलो, इधर ही खेलो. दादी हेलो बोल दे. हेलो 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 बोल दे. लाइक करो, लाइक कर दो भाई. क्या चलो क्यूट बेबी डॉल साहिल. क्यूट है, क्यूट है, बिल्कुल क्यूट तो है. गर्ल्स क्यूट ही होती हैं. मूव कर रही है. कैसे कर रही है? मूव कर रही है. हां आंखें खोल रही है. अब मेरी बारी है गाइस इसको लेने की. तो मैं बताती हूं, साहिल को खिलाना भी नहीं आ रहा था. इस हाथ पे सर देना. ओ देखा उसने मेरे को, पता क्या बोला? मामी. इसका नाम रखा है, इसके जो डैड है उनका नाम है राजेंद्र और इनकी जो मम्मा है उनका नाम है प्रिया. तो इसका नाम है रिया. रिया रिया दैया रिया. अच्छा नहीं, मुझे खाने है, मुझे इसको खिला दे. चल एक काम करो. हाँ. अब खाना खा के आओ, इसको मुझे दे दो. नो नो, ये नाश्ता ले लेते बेटा. हां जी हां जी. हां अब तो जाना ही पड़ेगा. चलो जी, चलो जी खाना नाश्ता लेने जाओ. आप सारे गिफ्ट वगैरह उस छोटी सी बेबी गर्ल को दिए और आपने देखा वो कितनी ज्यादा क्यूट थी. और मम्मा भी हेल्दी है, बेटी भी हेल्दी है. उसका नाम मैंने आपको बताया ही था, रिया. उन्होंने प्रिया और राजेंद्र मतलब दोनों के आधे आधे वर्ड्स लेकर रिया बनाया. तो कोई उसको रिया बोल रहा था, कोई उसको रिया बोल रहा था, लेकिन इट्स रिया. रिया दैया. और उनके जो बाबा जी हैं उन्होंने उसका जो नाम रखा है वो रखा है ललिता. तो मैंने सोचा कि ललिता क्यों रखा है यार, ललिता तो बड़ा थोड़ा बच्ची के हिसाब से बड़ा बड़ा नाम है. तो कहते फिर हमने इसका नाम रखा है रिया, लेकिन ललिता भी है. तो मैंने कहा ओके. तो बहुत क्यूट थी, आपने देखी कितनी ज्यादा क्यूट थी. और वूफी को तो सबने इतना प्यार किया, जितने भी बच्चे थे मतलब पागल हो गए, कहते ये हमको दे दो, हमको दे दो. मौलिक तो रोने ही लग गया. तो अच्छा लगा, हमें तो कोई पूछ ही नहीं रहा था, सिर्फ
बैठे बैठे वो फिशिंग सो रहे हैं, थक गए हैं ना बहुत ज्यादा खेल कर। तो अभी बस हम लोग घर के लिए वापस निकल गए हैं और वहीं जाकर अब बाकी आगे की आपको कहानी सुनाती हूँ। सो हम यहाँ पे एक पार्क है बहुत सुंदर, मतलब इतना भी सुंदर नहीं बट एक पार्क है, तो वहाँ हम वीडियोस बनाने आए थे क्योंकि थोड़ी सी रास्ते में आते आते मुझे प्रमोशन वीडियोस मिल गई थी तो मैंने कंप्लीट कर दी। मैं क्योंकि घर जाते ही सो जाऊँगी, मेरे पास बिल्कुल भी मेरे पास नहीं मेरी इतनी भी हालत नहीं है कि मैं घर जाकर वीडियोस बनाऊँ। तो मैंने पहले अपना काम जो था निपटा दिया है और अब बस फटाफट बेड मिल जाए, ब्लैंकेट मिल जाए और खाना मिल जाए। खाना नहीं खाया आपने वहाँ पे? नहीं यार मैंने नहीं खाया, पूरी बनाई हुई थी ना। अच्छा हाँ मैंने भी नहीं खाया, मैंने राइस खाए थे, थोड़े से खाए थे, पता नहीं वहाँ पे ना खाया भी नहीं जा रहा था। और अभी अच्छे से खाएंगे और सो जाएंगे। और भाई देखो उठकर फिर या तो मैं आपसे बात करूँगी या फिर उठकर सीधा आपको बाय करूँगी। और वूफी की ड्रेस की बड़ी तारीफ हुई है बट मुझे छोटी लग रही है थोड़ी, तो हम इसका एक्सेल साइज ऑर्डर कर रहे हैं अभी। मैंने उस दिन भी बोला था साहिल को, कह रहे हैं वो ब्लैक कलर में कर लेंगे, ये ग्रीन होगी इसके पास। इसकी क्या कलेक्शन बना रहे हैं, विंटर्स तो गई, हंस के थोड़ी कपड़े पहनता है। शर्ट मंगाऊंगा इसकी इसके ज़ारा की शर्ट्स ऑर्डर करेंगे। ठीक है, मुझे पर आपकी जैकेट बहुत अच्छी लगी। ये मेरी थोड़ी है, किसकी है? ये आपकी है। मेरी है, मैंने तो बस एक दिन के लिए बोरो की। अच्छा पर आपने मुझसे बिना पूछे बोरो कैसे की? अच्छा पूछा नहीं था क्या? नहीं, गलती हो गई। तो पर अच्छी लगी, वर्थ है, खुद से बोल रही हूँ। अगर आपको ये ज़ारा में मिल जाए दोबारा तो ले लेना, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। चलो काम चलो। चलो यार घर आ गए हैं, ऊपर चल के बात करती हूँ। और मैंने अपनी आउटफिट नहीं दिखाई थी ना, तो मैं दिखा देती हूँ। मैंने ये पहने वो फिर इसका नेक का डिज़ाइन कुछ ऐसा है और मुझे अच्छा लगा ये, इसकी फिटिंग भी अच्छी है। चलो चलो। हीटर ऑन हो गया है, ब्लैंकेट के अंदर आ गई हूँ और मेरा खाना साहिल लेकर आए हैं। क्या लाए हो साहिल? ठीक है, स्पेशल चीज भी है। क्या? देखो सो गाइस अभी मैं जस्ट खाना खा लेती हूँ, बहुत ज्यादा थक गई हूँ, अब थोड़ी देर सो जाती हूँ, उसके बाद उठूंगी और फिर आप लोगों को मिलूंगी। सॉरी। तो इस स्पेशल चीज की साहिल बात कर रहे थे, ये मेरे लिए लेकर आए हैं आइसक्रीम ब्राउनी। पर ये कैसे लग रही है यार, देखना ब्राउनी केक है। आप क्या खा रहे हो? खाना नहीं खाना, आ जाओ ना खा लेते। क्या खा भी लिया? ओ सैड। तो मैं अपनी ब्राउनी पहले खाऊं या राइस बाउल पहले खाऊं? ओके शना 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 उठो भाई, उठ जाओ शेना, ठंडे ठंडे हाथ लगा दूंगा मैं आपको, उठ जाओ। ये लो सैंडविच खा लो, आपने खाया नहीं है ना कुछ, जल्दी लो उठो। क्या खाया था वो? कब खाया था? रात हो गई पता है आपको? क्या टाइम हो रहा आपको पता है? 12:30। सच में? हाँ और नहीं तो क्या, भाई मेरे को दे दो और आप ये सैंडविच खाओ आराम से। 12:30 है ना? चटनी वाला। इससे ज्यादा दर्द होता है तो इसको रख दो, फिर मैं कुछ और बना देता हूँ। ज्यादा मत बोलो, बना देता हूँ ये भी, आप बना के लाए 24/7 के लिए। मैगी खाओगे गरम गरम? नहीं मैगी तो नहीं, अभी देखती हूँ कुछ बनाती हूँ। 12:30 में इतना सोई हूँ, पता है हम कब सोए हैं? 6 बजे। हाँ 6 बजे से 5 बजे, 5-6 बजे से सो रहे। सॉरी गाइस पता ही नहीं लगा, अभी भी शक्ल देख लो। मुझे फेस वॉश करना था और फेस वॉश करूँगी और कुछ खाते हैं। अब रात को क्या करेंगे, दोबारा सो जाएंगे, नींद आ रही है। हाँ नींद कंप्लीट करो अपनी, पहले ये खा लो फिर ये देखो खा के। कॉफी पी लेती हूँ, आइस कप कॉफी पीता हूँ। वेज वाला मंगा देते ना? वेज वाला ही है, चटनी वाला है ना, मतलब वो वेजेस वाला। अच्छी मुझे दे दो सैंडविच।
सही है, खा लेते हैं। टू 27 पे कोई सब्वे खा रहा है और कोई डाइटिंग पे था। आज हम दोनों इस बेड से उठेंगे नहीं, सब खाना पीना ऑर्डर हो रहा है, लेकिन साहिल डाइटिंग पे थे। डाइटिंग पे भी नहीं था एक्चुअली, इन्होंने प्रॉमिस किया था कि ये बाहर का नहीं खाएंगे बिल्कुल भी। वो कंट्रोल नहीं हो रही, घर में दूध है, इतनी सारी घर की चीज़ें हैं, मैंने स्पेशली बोला कुछ बना देती हूँ, कहते नहीं सब्वे का। इन्होंने मुझे सब्वे नहीं बोला एक्चुअली, इन्होंने बोला हेल्दी खाना है, कुछ हेल्दी खाना है। वैसे सब्वे हेल्दी ही होता है, मैं पता कहने वाली थी सब्वे हेल्दी होता है। कोई बात नहीं, कभी कभी चलता है, और कोई भी अपने वर्ड्स पे नहीं रहता है गाइज, ये तो मैंने देख लिया है। कोई भी नहीं रहता, तो कोई बात नहीं, इनको इन्जॉय करने देते हैं। और अभी बहुत टायर्डनेस हो ही रही है, आपको पता ही है यार, ऐसे हो जाती है ना। तो आज का व्लॉग कुछ ऐसा ही था, अगर आपको अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलती हूँ आपको कल के व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।